हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका कुंवर पहाड़ी ब्लॉग्स में। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ, मार्च का महीना लगने वाला है, लेकिन फिर भी ठंड जाने को तैयार नहीं है। इस ठंड ने ठान रखी है कि हमें ये लकड़ियाँ के ही जाएगी, तो चलिए आपको ले चलते हैं मम्मी के पास। ओ मम्मी है अंदर, मैंने सोचा गोबर निकाल लिया। अब देखो मम्मी लगाने जा रही है स्टेटस, क्योंकि आज इसकी लड़की का है बर्थडे, इसकी छोटी लड़की का है बर्थडे। आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी लड़की है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है ऊपर से, लेकिन हुई नाकाम। देखो इसकी तो चर्बी, इसमें काफी ज्यादा चर्बी है, क्योंकि इसने छोड़ दी है स्वेटर पहनना, इसने छोड़ दिया है, ये सिर्फ सूट में ही वो कर रहती है आजकल। और इसका मुंह हमेशा चूक जैसा हुए रहता है। और ये मेरी जूली और जिमी चले गए हैं बंदर को भगाने के लिए। जूली कहती है कि तू मत भगा, सिर्फ मैं ही भगाऊंगी। ये देख सकते हो आप, जूली हो गई है जिमी से भी बड़ी। मम्मी चले गए गोबर निकालने के लिए, अब मम्मी बनाएगी उसके बाद बाइक रोनी। और ये देखो ये जूली है मेरी, जूली ए जूली ले जिमू, ए जिमू। ये जूली को है काफी ज्यादा जलन जिमू से। ये देखो इतने बड़े केले की घड़ी आप लोगों ने देखी क्या कभी? केले। अब मम्मी इनको पकाने के लिए डालेगी, पकाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा हो रहा है। हाँ ये देखो मेरी मम्मी सुबह से शुरू हो जाती है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ये करना है, वो करना है। इसकी तो सुबह से गाने में रहती है रात के, आजकल तो रात को भी नहीं सो रही है, ये रात भर हल्ला करती है और मुझे भी नहीं सोने देती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसका बर्थडे है मेरी मम्मी की लड़की का, जिसको हम उठा के लाए थे नाले में से, उसका वो आया है, वीडियो कॉल आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम उठा के लाए थे नाले में से, जिस दिन हम नाले में से उठा के लाए थे उसी दिन उसका बर्थडे मनाते, आज के दिन हम उसको उठा के लाए थे नाले में से। बोल बोल की कौन करने जी। हेलो कलू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख सकते हो, खुश रहना, हमेशा खुश रहना, आगे को तू तेरी सबसे बढ़िया जॉब लग जाए, ये मेरी दुआ है। दोस्तों आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ, आज तक मुझे कभी ऐसे बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो जिसे हम नाले में से उठा के लाए थे उसको इस तरह बर्थडे विश किया जा रहा है, ये मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। और अभी मीडिया वाले आए थे, जो मम्मी बोली है ना, जो मम्मी बोली है मैं तो बहुत बहुत बोलूंगी, चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने झुकूंगी नहीं। हमारा गांव का विकास तो होना ही चाहिए, ऐसे गांव में रह रहे हैं हम, जंगल में मर मर के घुटने टेक टेक के हम खा रहे हैं, इसमें कोई नहीं देख रहा है, ना सरकार देख रहा है, ना गाँव के लोग भी है, कैसे है पता नहीं है, रोड का भी कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज राजनीति वाले आज आए थे पोलिंग बूथ वाले, तो इसने भयंकर तरीके से बोला है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे तो हंसी भी आ रही थी लेकिन मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। आज मौसम हो रहा है काफी मस्त और हवा भी चल रही है और मस्त धूप आई हुई है, आज काफी दिनों बाद इतनी अच्छी धूप आई हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ठंडा भी हो ही रहा है, मतलब गर्मी नहीं हुई अभी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गई थी उन लोगों को छोड़ने के लिए, पोलिंग बूथ वाले आए हुए थे, उन्होंने मम्मी का इंटरव्यू भी लिया, एक क्लिप मैंने शूट किया, मैं आपको वो जरूर दिखाऊंगी, दिखाती हूँ मतलब आगे। उनसे भी ये कहना है कि आप वोट देने के लिए अपने घर के बीच में जरूर आए, और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जम्पॉट में 100% मतदान सुनिश्चित करें, तो इसके लिए आपके पास आए हैं। और ये आपको पूरे गांव में भी कहना है, तो आपकी कुछ समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उनको भी हम सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, वहाँ सीता देवी जी, हम लोग आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपको अधिक से अधिक मतदान करना है, मतलब सभी लोगों को, पूरे गांव के लोगों को मतदान बूथ पर ले जाकर के वोटिंग जरूर करनी है, आपसे ये अनुरोध करने आए, हमारी पूरी टीम यहां पर स्वीप की टीम आई है आपके घर, तो आप बताइए क्या कहना चाहती है, आपको कैसा लग रहा है? हम तो मतदान तो हम करते हैं, मतलब हमारा यहां कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं, कभी नहीं की मतलब ये आज आएंगे कहेंगे हम तुम्हारी ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, देखो हम यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हम 40-50 किलो राशन लाते हैं, ऐसे यहाँ खाते हैं, हमारा कोई विकास नहीं है, सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। तो ब्लॉक तो चालू है मेरे दूर दूर, बोले
इतना फालतू नहीं बोलती मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, इतना क्या क्या करना है। देखो कितनी दूर से मशीन लेके आई हुई है, ये देखो ये कंधे में रख के देख सकते हो दोस्तों, मम्मी ने घर में दूध छाछ पोंछते हैं बस। ये चारा काटने वाली मशीन ये मम्मी कंधे में रख के लाई है ऊपर रोड में से, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से, और ये भी 4 किलोमीटर दूर है, और ये भी कंधे में रख के लाई है, और इतना भारी लोहे का है ये भी कंधे में रख के लाई है। कोई अपना बाप का बेटा है तो उसे हिला के दिखा दो, तब कहूंगी मैं भी वो माई के लाल। आज हिला के दिखा दो, आज ये बोली गई है, मुझे ऐसा लग रहा है इसने भांग भांग का नशा किया है, पता नहीं क्या किया है। एक साल में आज नाश्ता कर रखा है, डेढ़ साल में इसको नाश्ता लग गया है दोस्तों आज। अरे मेरी जुल को जुली, और ये देखो हमारा घर, हमने इसमें कलर कर लिया, अब काफी सुंदर लग रहा है। ये देखो पहाड़ों के बीच में हमारा घर है दोस्तों, इधर उधर कोई घर भी नहीं है, देख सकते हो दूर दूर एक वो घर है, वो भी हमारा ही है लेकिन उसमें कोई नहीं रहता है। ये पूरे जंगल के बीच में घर है ये हमारा, और हमें यहाँ काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल प्लेस है। दोस्तों ये देखो बंदर, ये सीधे हमारे घर के अंदर से चोरी कर रहा है। ये देखो जिम्मी ने पकड़ा, जिम्मी पकड़, पकड़ जिम्मी पकड़, ये जुली भी चले गई है।